भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राव में बुलेट की सवारी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में रविवार को पांचवा दिन है। उनकी ये यात्रा रविवार सुबह महू से इंदौर के लिए निकली। राहुल गांधी के स्वागत के लिए महू से लेकर राजवाड़ा पर यात्रा मार्ग बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया है। कई जगह रेड कारपेट भी बिछाए गए हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राव में कुछ दूरी तक बुलेट की सवारी भी की। इंदौर में राजेंद्र नगर ब्रिज के नीचे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी रंगोली भी बनाई गई, जो आकर्षक लगी। इंदौर के पास राऊ में मामा का ढाबा पर राहुल गांधी रुके और सभी नेताओं के साथ चाय पी। इसके बाद वे आगे बढ़े तो एक समर्थक ने उन्हें अपनी बुलेट चलाने को कहा, जिस पर राहुल गांधी ने हेलमेट पहना और कुछ दूर तक उस पर सवारी की। यात्रा में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मीनाक्षी नटराजन सहित कई नेता साथ थे। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जो हमारे तीन कांग्रेस सहयोगी जीतू पटवारी जी हैं, संजीव शुक्ला जी हैं और विशाल पटेल जी हैं, जिन्होंने आज सुबह जो आपने मोबिलाइजेशन जनता का देखा, मऊ से लेकर पौने छह हम मऊ को छोड़े और करीब नौ या सवा नौ बजे हम यहां पहुंचे हैं। हजारों लोग सड़क पर थे और मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों से सुने कि कैसी तैयारी हुई और आज दोपहर और शाम को क्या प्रोग्राम होता रहती है, उनको सबसे पहले रिफर करते हैं। तो ये एक इंसान की मनोभावना को, उनके सोच को, उनके विचार को बताता है कि जिसका सबसे पीछे सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला एक व्यक्ति कोई है तो राहुल गांधी जी है। मैं मानता हूं आज का जो मोबिलाइजेशन था ये अपने आप में ये बता रहा था, समझा रहा था कि जो लोग उनको लेकर क्रिटिसाइज करते अलग अलग झूठ और भ्रम के माया जाल पहना के, उनको ये समझ आने लगा है कि देश की जनता कितना चाहती है राहुल जी को। और राहुल जी जिस तरीके से बातें रखते हैं, ये बातें लोगों के घर में जा रही है, हर मोबाइल पे आ रही है, एक हर मोबाइल पे राहुल जी से रोज इसमें हजारों लाखों आदमी आ रहा है पूरे देश में, मतलब महाराष्ट्र हो या हैदराबाद हो, मैं सब जगह देख के आया। जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जितने युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहने, सभी लोग राहुल जी से मिलना चाहते हैं। इसलिए मिलना चाहते हैं, राहुल जी देश जोड़ रहे हैं, देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए इंदौर में सवेरे पौने छह बजे से हजारों आदमी रोड पे चल रहा है। उसके अलावा जितने भी पूरी बात बता दी है, परंतु हम आप लोग निवेदन करना चाहते हैं क्योंकि आज देखिए उनके सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों करोड़ आदमी एक दिन में हमारा सोशल मीडिया देख रहा है और आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दिखाएं क्योंकि हम लोग सबको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।